गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में एमएससी फाइनल जूलॉजी के अंतर्गत स्पेशल पेपर एंटोमोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा। इससे पहले हमने इंसेक्ट क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा के बारे में अध्ययन किया था। इसके बाद हम ऑर्डर दूसरा डिक्टियोप्टेरा को लेते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं कि कौन कौन से इंसेक्ट आते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि डिक्टियोप्टेरा, इसका मतलब होता है डिक्टियो मीन्स नेट या जाल और टेरा मीन्स विंग्स। जिन इंसेक्ट के विंग जाल की तरह होते हैं, नेट की तरह होते हैं, उन इंसेक्ट को डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे इंसेक्ट के अंतर्गत आते हैं कॉकरोच और मेंटिस। कॉकरोच और मेंटिस को डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। पहले इन कॉकरोच और मेंटिस को ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत अध्ययन करते थे, लेकिन आज या प्रेजेंट समय में हम इनका अध्ययन डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत करते हैं। अब देखते हैं कि इस डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर के क्या क्या करेक्टर्स होते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसे हमने पढ़ा कि कॉकरोच और मेंटिस आते हैं। कॉकरोच और मेंटिस में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, वो किस प्रकार से है। हेड इज यूजुअली हाइपोग्नेथस। जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट क्लास के अंतर्गत जो इंसेक्ट होते हैं उनके हेड का जो पोजीशन होता है बॉडी एक्सिस के साथ, वो तीन प्रकार से पाया जाता है, हाइपोग्नेथस, प्रोग्नेथस और ऑफिस्टोग्नेथस। तो डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत हाइपोग्नेथस कंडीशन कॉकरोच के अंतर्गत पाई जाती है, जबकि जो मेंटिस होता है उसमें प्रोग्नेथस कंडीशन हेड की पाई जाती है। नेक्स्ट है माउथ पार्ट्स मैंडिबुलेट। क्योंकि ये इंसेक्ट वनस्पति घास फूस को चबा करके खाते हैं, तो जो हाइपोग्नेथस हेड कंडीशंस होते हैं उसमें माउथ पार्ट्स होते हैं वो मैंडिबुलेट प्रकार के होते हैं। इनकी जो मैंडिबल होती है वो अधिक स्क्लेरेटाइज होती है, डेवलप्ड होती है, इसलिए ये मैंडिबुलेट प्रकार के माउथ पार्ट्स इनमें पाए जाते हैं। एंटीनी फिलीफॉर्म होती है, कुछ में अन्य प्रकार की भी पाई जाती है। विंग्स देखते हैं कि इनमें एक दो जोड़ी विंग होते हैं, जिनमें से फोर विंग्स और हैंड विंग्स। फोर विंग्स होते हैं वो थोड़े मजबूत लेदरी चिम्बर टाइप के होते हैं, जबकि जिनको टैगमिना कहा जाता है, इनके मार्जिनल कोस्टल वीन पाई जाती है, सिराव या ब्रांचेस जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, जिसको कोस्टल वीन के नाम से जाना जाता है। इस टैगमिना के नीचे एक मेम्ब्रेनस या फैन लाइक फैशन में जो विंग्स पाए जाते हैं उनको हैंड विंग्स नाम दिया जाता है। इन हैंड विंग्स की जो एनल लोब होती है, पच सिरे वाली जो लोब होती है, उसको एनल लोब नाम दिया जाता है। तो इनके जो हैंड विंग्स होते हैं वो फैन लाइक मेम्ब्रेनस टाइप के पाए जाते हैं। टार्साई फाइव सेगमेंटेड, क्योंकि इंसेक्ट के अंदर तीन जोड़ी टांगे पाई जाती है। और देखते हैं कि इंसेक्ट का जो लास्ट पार्ट होता है जिनको टार्सस बोलते हैं, वो पांच भागों में बटा होता है। इनका क्लासिफिकेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान होता है नंबर ऑफ टार्सस के आधार पर। इनमें किसी प्रकार के स्टिमुलेटरी और ऑडिटरेटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन और रिसेप्टिंग ऑर्गन्स इनमें नहीं पाए जाते हैं। ये कॉकरोच और मेंटिस होते हैं, अपने अंडों को एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बंद करके रिलीज करते हैं, एगलिंग करते हैं, और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है ओथीका। ओथीका, इस ओथीका में 10 से लेकर के 50 तक एग पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कॉमन फीचर्स होते हैं जो डिक्टियोप्टेरा क्लास के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब जैसा कि डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर होता है उसमें मुख्य रूप से दो फैमिलीज पाई जाती है, ब्लेटिडी और मेंटिडी। ब्लेटिडी के अंतर्गत कॉकरोच आते हैं, जबकि मेंटिडी के अंतर्गत प्रेइंग मेंटिस आते हैं। तो ब्लेटिडी फैमिली होती है, इसके अंतर्गत कॉकरोच आते हैं। उनके फीचर्स किस प्रकार से है, एंटीनी लॉन्ग एंड सीटेशियस। कॉकरोचेज होते हैं, उनकी अलग अलग स्पीसीज होती है, उनमें एंटीनी लंबे होते हैं, बॉडी से भी अधिक लंबे पाए जाते हैं,
और ये सीटेसियस प्रकार की पाई जाती है। फोर विंग प्रोमिनेंटली टैग्मिना, फोर विंग्स टैग्मिन टाइप्स के होते हैं, हार्ड मजबूत स्क्लेरेटाइज्ड होते हैं। लेग्स सिमिलर टू वन एनोदर, इनकी जो तीन जोड़ी टांगे होती है वो सभी समान प्रकार की होती है। टार्साई फाइव में सेगमेंटेड, इनमें टार्साई होती है, टार्सस होती है, पांच सेगमेंट होती है, पांच खंडों में बटी होती है। ओविपोजिटर, ओविपोजिटर जो अंडे देने वाले डिवाइस होती है उसको ओविपोजिटर नाम दिया जाता है। इनमें इस प्रकार की जो ओविपोजिटर स्ट्रक्चर्स होती है वो रिड्यूस्ड होती है और कंक्लिनेंट छुपी हुई अवस्था में पाई जाती है, जो सेवेंथ एब्डोमिनल स्टर्नम में पाई जाती है। दे आर मैनी हाउस होल्ड पेस्ट, जो कॉकरोच होते हैं मुख्यतः हाउस होल्ड पेस्ट होते हैं, जो घर की खाद्य वस्तु होती है, कपड़े होते हैं, उनको क्षति पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए इनको हाउस होल्ड पेस्ट नाम दिया जाता है। अब देखते हैं कि जो कॉकरोचेज होते हैं उनकी कुछ इम्पोर्टेंट स्पीसीज होती है, जैसे अमेरिकन कॉकरोच को हम पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना कहते हैं, इंडियन कॉकरोच को ब्लेटा ओरिएंटेलिस के नाम से जाना जाता है, जर्मन कॉकरोच है इसको ब्लेटेला जर्मेनिका के नाम से जाना जाता है। जनरली कॉकरोच की स्ट्रक्चर डोर्सल सरफेस से और वेंट्रल सरफेस से हम देखते हैं तो हमको इस प्रकार से ये दिखाई देते हैं, जैसा कि इस फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया गया है मेल कॉकरोच और सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर फीमेल कॉकरोच। यहाँ पर देखते हैं कि ये एक जोड़ी विंग्स होते हैं, जो बाहरी ऊपरी विंग होता है जिसको फोर विंग नाम दिया जाता है, ये टैगमिन प्रकार का होता है, चिम्बड़ी होता है, जबकि इसके नीचे ये फैन लाइक फैशन के अंदर पाया जाता है, मेम्ब्रेनस विंग्स के नाम से जाना जाता है। तो दो जोड़ी विंग्स इनके अंदर पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि इनका ये उभरा हुआ सील जैसी स्ट्रक्चर्स होती है, ये इसका थोरेक्स रीजन होता है, थोरेक्स रीजन होता है, और उसके अंदर भी ये प्रोथोरेक्स होता है, क्योंकि इंसेक्ट की जो बॉडी होती है उसमें तीन सेगमेंट थोरेक्स के अंदर पाए जाते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, जिनमें से प्रोथोरेक्स होता है वो प्रोनोटम के नाम से जाना जाता है, जिसके ऊपर की जो स्टर्नम पार्ट होता है वो सील जैसी स्ट्रक्चर्स के रूप में पाया जाता है। इनके जो हेड से निकले हुए ये एंटीना पाए जाते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं, सीटीसीएस प्रकार के होते हैं, फिलिपोन प्रकार के कुछ स्पीसीज के अंदर पाए जाते हैं, आगे की तरफ हाइपोग्नेथस कंडीशन में ये हेड पाया जाता है। बागी का इसमें ये एक से लेकर के यहाँ पर ये नाइन सेगमेंट एब्डोमन के पाए जाते हैं, और इसके पश्च सिरे पर ये एक जोड़ी सर्कस पाई जाती है, दूसरे ये एक जोड़ी स्टाइल भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो इस प्रकार से ये स्टाइल और सर्कस होती है, ये कोपुलेशन में सहायक ऑर्गन्स होते हैं, एसेसरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। तीन जोड़ी लेग्स इसके अंदर पाई जाती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो सिमिलर प्रकार की इनमें पाई जाती है। तो इस प्रकार से कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो ये हमें इस प्रकार से दिखाई देती है, जबकि इसकी जो वेंट्रल सरफेस होती है वो हमें इस प्रकार से दिखाई देती है, ये अंदर की नीचे वाला पार्ट होता है वो इस प्रकार से इसके लेग्स लगी रहती है और ये इसके पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर ये कॉकरोच है उसके अंदर ये दिखाया गया है, यहाँ पर ये फीमेल का वेंट्रल पार्ट है, ये डोर्सल व्यू दिखाया गया है, ये मेल का पार्ट होता है। फीमेल और मेल में अंतर क्या होता है कि जो मेल होता है उसमें ये एनल स्टाइल प्रेजेंट होती है, जबकि फीमेल के अंदर ये एनल स्टाइल प्रेजेंट नहीं होती है। सर्कस मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन एनल स्टाइल होती है वो सिर्फ मेल के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम मेल और फीमेल कॉकरोच को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट फैमिली है डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर की मेंटिडी, जिसके अंदर प्रेइंग मेंटिस आते हैं, अर्थात जो मेंटिस इंसेक्ट होता है इसका एटीट्यूड या पोजीशन होता है प्रेइंग, प्रार्थना करने वाली पोजीशंस होती है उसकी लेग्स की, इसलिए इसका नाम प्रेइंग मेंटिस पड़ा हुआ है। ये लार्ज आकार के इंसेक्ट होते हैं, एलोंगेटेड बॉडी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, इनके जो फोर विंग्स मॉडिफाइड एज रेप्टोरियल, अर्थात जो प्रेइंग मेंटिस होता है इसकी जो फोर
फोर लेग्स होती है वो रेप्चोरियल टाइप्स की होती है, अर्थात जो ये कार्निवोरस होता है, शिकारी नेचर का होता है, ये छोटे छोटे इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों को पकड़ करके खाने का काम करता है। इसलिए इसके फोर विंग्स होते हैं, उसमें स्पाइंस पाए जाते हैं उसके टिबिया वाले पार्ट्स में, तो इस फोर टिबिया वाले रीजन्स में, तो उनको ये इंसेक्ट को किलिंग करने का काम करता है, जकड़ने या पकड़ने का काम करता है। तो ये रेप्चोरियल टाइप्स के इनके अंतर्गत पाए जाते हैं, जबकि हमने कॉकरोच के अंतर्गत कर्सोरियल प्रकार के लेग्स के बारे में अध्ययन किया था, जो रेंगने के काम आता है, चलने के काम आते हैं। नेक्स्ट एंटीनी देखते हैं, प्रिगमेंटिस के अंतर्गत वो शॉर्ट होती है, छोटे आकार की होती है, जबकि कॉकरोच में बड़ी होती है, फिलीफॉर्म प्रकार की इनमें पाई जाती है। इनका जो प्रोनोटम, जो फोर फ्रंट वाला फर्स्ट पार्ट थोरेक्स वाला होता है, वो अत्यधिक एलोंगेटेड लंबा होता है, इसलिए ये प्रोनोटम होता है, ये बहुत अधिक नेक लाइक स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। इनके अंतर्गत निम्प कैनिबलिस्टिक पाए जाते हैं, जो निम्फ होते हैं उनको ये भोजन की अवस्था में, भोजन की कमी की अवस्था में कैनिबलिज्म कर सकते हैं, उनको खा करके मेल और फीमेल नष्ट कर सकते हैं या अपनी भूख की पूर्ति करते हैं। तो कैनिबलिस्टिक नेचर इसके अंतर्गत पाई जाती है। एक कैनिबलिस्टिक नेचर इनके अंतर्गत मैटिंग के दौरान पाई जाती है, जब मैटिंग हो जाती है तो फीमेल होती है वो अपने बच्चों के पोषण के लिए या न्यूट्रिशन के लिए जो मेल होता है उसको खा करके नष्ट कर देती है। तो इनमें मैटिंग, पोस्ट मैटिंग कैनिबलिस्टिक नेचर भी पाई जाती है। दूसरा, इन प्रिंगमेटिस के अंतर्गत मिमिक नेचर पाई जाती है, अर्थात ये जिस हैबिटेट्स के अंदर रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, उसके बैकग्राउंड से मिलता जुलता इनका कलर पाया जाता है, उसमें कनक्लिंग की नेचर इसके अंतर्गत पाई जाती है, छुपने की नेचर इसके अंतर्गत पाई जाती है, तो मिमिक व्यवहार ये प्रदर्शित कर देते हैं। प्रीडेटरी ऑन द क्रॉप पेस्ट, ये मुख्यतः प्रीडेटरी जो फसल को नष्ट पहुंचाने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनके ऊपर ये प्रीडेटरी पाए जाते हैं, उनको शिकार करने का काम करती है। प्रिंग मेंटिस की कुछ स्पीसीज है, जैसे मेंटिस रिलीजियोसा, गोंगीलस स्पीसीज, ये मुख्य स्पीसीज होती है जो प्रिंग मेंटिस के अंतर्गत पाई जाती है। अब देखते हैं कि इसकी मॉर्फोलॉजी किस प्रकार की होती है। यहाँ पर ये प्रिंग मेंटिस का डायग्राम दिखाया गया है, उसके अंतर्गत ये इसका हेड रीजन होता है, ये इसका थोरेक्स वाला पार्ट होता है, जो प्रोनोटम एलोंगेटेड होती है, सिलेंडर प्रकार की होती है। फोर लेग्स इसकी प्रेइंग पोजीशन में दिखाई देते हैं, इसलिए इसका नाम प्रिंगमेंटिस रखा गया है। और इसकी फोर टिबिया रेप्चोरियल प्रकार की होती है, जो शिकार को पकड़ने का काम करती है, जबकि इसकी मिड और हैंड लेग्स होती है वो नॉर्मल प्रकार की पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये बड़े आकार का इंसेक्ट होता है, जो छोटे क्रॉप इंसेक्ट होते हैं, कई बार ये स्कॉर्पियन छोटे छोटे स्नेक को भी भोजन के रूप में ग्रहण कर सकता है। तो इस प्रकार से ये प्रेइंग मेंटिस होता है, ये डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमने दो फैमिलीज के बारे में पढ़ा था डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर की।